जैसा कि देख पा रहे हैं, एक हमारे पास बड़ा कील है और इतना सारा छोटा छोटा कील है, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बड़ा कील को ले रहे हैं, ये देखिए, बड़ा कील को इस तरह से ठोक रहे हैं, ये देखिए बड़ा कील जो है अंदर की ओर चला गया, जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये देखिए, इसका हवा ज्यों के त्यों है, हवा नहीं निकला है। हेलो गाइस, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू जी में। जैसा कि ये साइकिल आप देख पा रहे हैं, 20 इंची साइकिल है गाइस। तो ये साइकिल में देखिए हवा एकदम पूरा है दोनों ही चक्का में, इसमें भी देखिए हवा है, और ये भी देखिए आपका रियर व्हील में भी देखिए, दिखा देते हैं, इसमें भी देखिए हवा एकदम पूरा फुल एकदम टाइट हवा है, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, कितना उठा हुआ, जैसा कि देख पा रहे हैं हवा एकदम फुल टाइट है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, एक हमारे पास बड़ा कील है और इतना सारा छोटा छोटा कील है, तो हम क्या करेंगे, ये टायर में जो है कील को ठोकने वाले हैं और पंक्चर करने वाले हैं। तो चलिए ठोकते हैं, ये देखिए, सबसे पहले हम बड़ा कील को ले रहे हैं, ये देखिए, बड़ा कील को इस तरह से ठोक रहे हैं, ये देखिए बड़ा कील जो है अंदर की ओर चला गया, जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये देखिए, इसका हवा ज्यों के त्यों है, हवा नहीं निकला है, ये देखिए पंक्चर जरा सा भी नहीं हुआ, इतना बड़ा कील हम ठोक दिए। आप चलिए ये कील को बाहर निकालते हैं, तो इधर में हमारा प्लास है, ये देखिए तोता प्लायर से, ये देखिए बाहर निकाल रहे हैं, ये देखिए कील को हम बाहर भी निकाल दिए। अब क्या करेंगे, चलिए बड़ा कील से नहीं वो मानते, छोटा कील से, ये देखिए अब छोटा कील ले रहे हैं, ये नीचे गिर गया है, ये देखिए अब हम छोटा कील ले रहे हैं, छोटा कील इसमें अंदर की ओर प्रेस करते हैं, ये देखिए छोटा कील भी जो हम अंदर पूरा एकदम कर दे रहे हैं, ये देखिए पूरा अंदर कर दिए, ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, और ये देखिए अभी भी हवा नहीं निकला है। गाइस जैसा कि देखे हम टायर में कील ठोक करके आप लोग को दिखाएं, लेकिन चक्का जो है पंक्चर नहीं हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है, तो चलिए हम टायर को खोलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं ये किस तरह से हुआ है। तो फटाफट जो है हम टायर को खोल लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। ये देखिए डायरेक्टली हम टायर को खोल रहे हैं, अभी भी इसमें जो है हवा है, ये देखिए। सो गाइस ये देखिए टायर को हम खोल दिए हैं और आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए टायर में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए अंदर में जो है हम सेक्शन पाइप लगाए हुए हैं, ये देखिए इस पर जो है हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, जैसा कि सेक्शन पाइप आप देख पा रहे हैं। वो वीडियो में बहुत सारे ऐसे हमारे डियर सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो कि हमें कमेंट किए हैं और बोले हैं कि राजू भाई ये जो साइकिल है ये एक्सरसाइज पर्पस के लिए है, इसमें पंक्चर नहीं होगा, आदमी जो है साइकिल चलाते चलाते थक जाएंगे। बहुत सारा ऐसा ऐसा कमेंट आया है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोग रिस्पॉन्स भी बहुत ही बढ़िया दिए हैं वो वीडियो में। तो बताना चाहेंगे ये क्या करेंगे, हम सेक्शन पाइप को ये साइकिल से हटा देंगे और हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ट्यूब डालेंगे और ट्यूब डालने के बाद जो है पंक्चर नहीं होगा। तो ये हम किस तरह से करेंगे, जैसा कि ये सामान आप देख पा रहे हैं, ये सामान को हम लगाएंगे ये टायर का अंदर में और ट्यूब लगाएंगे, जो कि लाइट वेट भी रहेगा और छोटा मोटा इस तरह का कीला हो, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कील हो इस तरह का छोटा मोटा। तो ये कील क्या होगा कि आपका जो है गड़ेगा नहीं और आपका लॉन्ग लास्ट तक चलेगा। कई बार क्या होता है कि रास्ता में चलते हुए इतना छोटा जो होता है कि कील गड़ जाता है, या फिर जो कांटा होता है पेड़ पौधा का, वो कांटा क्या होता है कि गड़ जाता है, पंक्चर हो जाता है, या फिर ट्यूब खराब होने के बाद ही पंक्चर होता है। तो ये चीज जो है लगाने के बाद ये क्या है, आप लोग को वीडियो का आगे में पता चल जाएगा, और इसे किस तरह से फिट करना सारा चीज आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रहेगा आप लोगों के लिए और आपका साइकिल कभी भी पंक्चर नहीं होगा, हम इसका 100% आप लोग को गारंटी देते हैं ये चीज लगाने के बाद। तो इस पर हम बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद जो है ये डिसीजन लिए हैं और ये वीडियो को बना रहे हैं, और ये वीडियो जो है एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी रहेगा। तो चलिए ये कंप्लीट करते हैं और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा आ रहा है, क्या है नहीं है, सारा चीज आपको वीडियो में लास्ट तक देखने पर एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे फिट करते हैं और आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं और बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये साइकिल में जो है ट्यूब को नहीं लगाएंगे, ये हम इसी तरह से रहने देते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें लोड का सामान भी लाना पड़ता है किसी ऐसा जगह से जो कि ट्यूब रहेगा तो पंक्चर हो जाएगा, और ये सेक्शन पाइप डाला हुआ तो मेरा लोड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लोड लेकर के चलने में और पंक्चर उंक्चर नहीं होगा, ये लॉन्ग लास्ट तक चलेगा, जो कि अभी तक जो है इसमें पंक्चर का कोई सिस्टम ही नहीं हुआ है, तो लोड लेकर के चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए फटाफट ये टायर को कंप्लीट करके हटाते हैं और ये साइकिल में जो है हम वो सामान को लगाने वाले हैं, ये सामान को, ठीक है, ये क्या है आप लोग को दिखाएंगे बताएंगे और किस तरह से फिट करना वो। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं और इसका चक्का वगैरह खोलते हैं, फिर आप लोग को फिट करते हुए दिखाते हैं। देख पा रहे हैं हम साइकिल का दोनों ही व्हील को खोल लिए हैं, दोनों ही चक्का को, पीछे वाला आगे वाला, और दोनों में ही देखिए हवा एकदम है। तो चलिए हवा को निकालते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए, देखिए पीछे चक्का का पहले हवा निकालते हैं, तो ये देखिए पीछे चक्का का हवा हम निकाल दिए, अब चलिए आगे चक्का का हवा निकालते हैं।
ये देखिए आगे चक्का का भी हवा निकाल दिए हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे गाइस, ये पुराना साइकिल था एकदम, तो इसे हम मॉडिफाइड किए हैं, फुल न्यू बनाया है। तो ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद ये वीडियो जरूर देख लें, आप लोग का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए अब इसमें जो हम फिट करते हैं ताकि पंक्चर ना हो ये सामान को, ठीक है, फिट करते हैं। और ये क्या है आप लोग को दिखाते हैं, बताते हैं, और इसका प्राइस क्या आएगा वो भी बताएंगे। तो गाइस ये रहा, हम आगे चक्का खोल दिए हैं, अब इसका ट्यूब को बाहर निकालते हैं। ये देखिए इसमें न्यू टायर और ट्यूब हम लगाए हैं, ये देखिए ट्यूब को बाहर निकाल दिए हैं। चलिए ये हम आगे चक्का का कंप्लीट कर लिए हैं ट्यूब निकाल के, अब चलिए पीछे चक्का का खोलते हैं ट्यूब को। ये देखिए ट्यूब दोनों ही हमारा बाहर निकल गया, ये हमारा पीछे चक्का का हो गया, ये हमारा आगे चक्का का ट्यूब हो गया। अब चलिए इसे फिट किस तरह से करना है और ये क्या चीज़ है आप लोग को बताना चाहेंगे। ये जैसा कि देख पा रहे हैं तो ये जो है जो बक्सा वगैरह नहीं बनाते हैं वही बक्सा का ये आपका चदरा हो गया, ठीक है। ये देखिए ये बक्सा का चदरा हो गया, तो पूरा हम खोलते हैं। और ये जो सामान है गाइस, ये जो चदरा है ये आपको बक्सा दुकान में ही मिलेगा, जहाँ पर ये बक्सा वगैरह कल तक न्यू बनता है, रिपेयर होता है, वो शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए ये लेंथ देखिए कितना बड़ा है इसका, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसका चौड़ाई कितना रखना है वो भी आप लोग को हम दिखाएँगे और बताएँगे। चौड़ाई देखिए एक इंची आपको साइज का लेना है, ठीक है, एक इंची चौड़ाई का लेना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना आपको, जैसा कि देख पा रही है देखिए एक इंची चौड़ा है, ठीक है। ये पत्ती का जो मोटाई है, मोटाई आपको कितना लेना है, हमें तो ऐसे बक्सा शॉप वाले बोले थे कि 10 mm मोटाई है, और दोनों को 10-10 mm मिला देते तो ये आपका 20 mm का मोटाई हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 20 mm का मोटाई हो जाता है, तो 10 mm का अगर आपको मिलता है तो आपको दो लेना है, और अगर आपको 20 mm का मिलता है तो एक ही ले लेना है, लेकिन लेंथ एक लेवल में होना चाहिए, एक बराबर में होना चाहिए। ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी जॉइंट नहीं है, ठीक है, इस तरह का आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे अच्छे से इस तरह से मिला लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। मिलाने के बाद इस तरह से आपको जो है फिट करना है टायर में, ये देखिए इस तरह से। चलिए टायर भी आप लोग को हम निकालते हैं फिर दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए टायर को हम खोल लेते हैं, तो ये देखिए टायर आसानी से खुल चुका है, और ये देखिए इस तरह से आपको जो है फिट करना है। ये देखिए यहाँ पर दोनों मिला लेना है, दोनों मिला लेने के बाद इस तरह से आपको जो है फिट करना है, ये देखिए इस तरह से बीच में। तो चलिए टायर को लगा करके इसमें हम जो बीच में इस तरह से फिट कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। तो ये देखिए टायर जो है हमारा फिट हो चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं। और इसे हम क्या करेंगे, फिट करने से पहले आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों पत्ती को मिला लेना, ठीक है। अगर आपका सिंगल है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डबल है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर लेना है। इस तरह से करने के बाद ये जो मार्किंग टेप आप देख पा रहे हैं, ये टेप को लगाना है, ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, इस तरह से टेप को लगाना है। और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से टेप को आपको जो फोल्ड कर देना है मुँह के पास में, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, इस तरह से कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से फिट करना है अंदर में, ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए अंदर में हम फिट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से आपको पूरा में फिट कर देना है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारा इतना तक फिट हो चुका है। आप देखते पत्ती कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए थोड़ा सा हम बड़ा लेकर के आए थे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम बड़ा लेकर के आए थे, इसे फिर हमें कटिंग भी करना होगा, तो हल्का कटिंग करेंगे, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए फटाफट कटिंग कर देते हैं, इसे हम मिला लिए हैं और इतना हमको कटिंग करना है, इतना, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, इतना जो हम कटिंग कर देना है, ये देखिए इतना हम कटिंग कर दिए हैं, और इसे भी कर देते हैं, इतना इसे भी कटिंग कर देते हैं, ये देखिए कटिंग कर दिए तो हल्का सा बेंड हो गया, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं, ये देखिए इसे आपको सीधा कर लेना, इस तरह का बेंड हो जाएगा, तो ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है गाइस, एक पुराना इस तरह का ट्यूब ले लेना, जो कि साइकिल शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा, एक नहीं दो चक्का है तो दो ले लेना है, ठीक है। तो एक जो है हम ऑलरेडी इस तरह का बना हुआ है कट करके, ये देखिए हम बनाए हुए हैं, तो आपको क्या करना, पुराना जो ट्यूब लाएंगे उसे आपको इस तरह से जो कटिंग करके निकाल लेना है, इसका जो सेटिंग रहेगा वाल वाला वो आपको निकाल लेना है इस तरह कटिंग करके, और बीच से आपको इस तरह से कट कर देना, ठीक है। चलिए प्रॉपर कट करते फिर आप ये देखिए ट्यूब को जो है हम अच्छे से कट कर लिए, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह फिट करना है, जैसा कि देख पा रहे हैं जो एक्स्ट्रा ट्यूब लिए थे उसको आपको पीछे इस तरह से लगाना, आपको जो सेफ्टी के हिसाब से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है, और इस तरह से आपको जो फिट करना है, बस आपको जो फिट करना है, ये देखिए, ठीक है,
तो फटाफट इस तरह से जो आपको फिट कर लेना है। देखिए फिट कर दिया, थोड़ा सा इसमें हम हवा भरेंगे। इससे क्या होगा कि ट्यूब आपका जो ट्यूब का ये जो वाल्व है ये आपका टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है, दोनों साइड से ट्यूब फिट करने से। ये देखिए सो गाइस ये देखिए पीछे चक्का में हमारा जो है जो एकदम ट्यूब फिट हो चुका है। अब चलिए इसमें हवा भरते हैं, और भरने से पहले जो है हम फ्रंट व्हील में भी फिट कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली जो है हमारा आगे चक्का में भी कंप्लीट हो गया है। अब दोनों चक्का में चलिए हवा भरते हैं और साइकिल में फिट करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस अच्छे से हम चक्का वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट कर दिए हैं और हवा भी भर दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम फाइनली लोकेशन पे आ गए हैं। अब चलिए टेस्ट ड्राइव करते हैं। उससे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे, ये जो बक्सा बनाने वाला जो चदरा हम टायर का अंदर में लगाए हैं, तो ये चीज़ हम आप लोग को थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए ये आपका थोड़ा सा जो है ना ईच शेप में हो गया, स्क्वायर शेप में हो गया, चपटा हो गया, राउंड जो होता है ना टायर उस तरह का नहीं है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हुआ है इसमें। तो चलिए कोई बात नहीं, वो देख लेते हैं। आप लोग अपना अपना ओपिनियन दें हमें कमेंट बॉक्स में कि इसे और किस तरह से बेटर तरीका से हो सकता है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये जो हम आइडिया आप लोग को बताए हैं, ये जो ट्रिक हम आप लोग को दिखाए हैं, तो ये आप जो है बाइक में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बाइक में भी आसानी से हो जाएगा। जिस प्रोसेस के साथ में दिखाएँ बताएँ उस तरह से कर लेना, ईजिली फिट हो जाएगा, जैसा कि हम साइकिल में फिट करते हो आप लोग को दिखाएँ। लेकिन इसमें एक चीज़ हम आप लोग को बताएँगे, जैसा कि हम आप लोग फर्स्ट में बताएँ कि हम अपना जो है सारा रिसर्च कंप्लीट करने के बाद ये वीडियो को बना रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। तो सेक्शन पाइप में जो हम बनाए थे वीडियो को, तो सेक्शन पाइप में क्या हुआ कि हम लोड वगैरह लेकर के चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस सब जगह में, क्योंकि कांटा वगैरह गड़ जाता था, पंक्चर हो जाता, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लोड भी हम कभी कभी लेके आते हैं, वो साइकिल में आराम से हो जाता। तो हम इसमें जो है चदरा लगाए हुए हैं, तो इसमें भी हम लोड लेके चल सकते हैं, छोटा मोटा जो कांटा रहेगा इसमें भी गड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें चदरा जो है प्रोटेक्ट करेगा। जो चदरा हम टायर के अंदर में लगाए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम जो है आप देखेंगे कि पंक्चर ये कितना दिन में हो रहा है हमारा साइकिल। जब भी ये पंक्चर होगा तभी अब ये खुलेगा, नहीं तो 6 महीने के बाद में हम आप लोग को ये चक्का खोल के दिखाएंगे अंदर में जो इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ट्यूब का, चदरा का और टायर का 6 महीने के बाद, क्योंकि ये साइकिल आप चलता ही रहेगा, उसके बाद 6 महीने के दिखाएंगे। अगर बीच में पंक्चर हो जाता है किसी भी कारण से तो हम आप लोग को दिखाएंगे, अगर नहीं होता है तो फिर 6 महीने के बाद ही दिखाएंगे आप लोग को, ये फिर से एक वीडियो बनेगा इस पर। तो इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, हर चैनल पर नॉलेजफुल वीडियो हमेशा आप लोग को मिलता ही रहेगा। अब चलिए हम जो है राइडिंग करते हैं इस जगह में और आप लोग को दिखाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अब हम जो है राइडिंग स्टार्ट कर दिए हैं, और ये देखिए हम जो है चला रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आ रहा है। जैसा कि ट्यूब तो अंदर में है ही, तो हवा जिस तरह से रहता है उसी तरीके से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ताकत भी नहीं लग रहा है, एकदम ईजिली साइकिल चल रहा है जिस तरह से चलता है। आशा करते हैं ये वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, तो शेयर जितना हो सके करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।